जय श्री माता जी। सहज योग ध्यान केंद्र में आप सभी का हृदय से स्वागत है। अब हम विभिन्न माध्यमों द्वारा सहज योग ध्यान पद्धति सीखेंगे। इसके लिए इस वीडियो में जिस पद्धति द्वारा जो प्रक्रियाएं बताई जाएंगी, उस पद्धति से आप अपने घरों में जमीन पर या कुर्सी पर बैठकर ये क्रियाएं कर सकते हैं। यदि आप कुर्सी पर बैठे हैं तो अपने दोनों पैरों को अलग अलग रखें तथा जमीन से स्पर्श होने दें। ध्यान आरंभ करने से पहले अपनी कुंडलिनी शक्ति का जागरण कर बंधन लें। इस प्रक्रिया को करने से हमारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच का निर्माण हो जाता है। हमारा बायां हाथ इच्छा शक्ति व दायां हाथ क्रिया शक्ति को दर्शाता है। अतः इस क्रिया में सर्वप्रथम हम अपने बाएं हाथ की हथेली को बीचों बीच पेट के निचले भाग के सामने रखेंगे और दाएं हाथ की हथेली को बाएं हथेली के चारों ओर ऊपर से नीचे की दिशा में गोल घुमाते हुए तालु भाग की सतह के ऊपर लेकर आएंगे और गर्दन को पीछे की ओर खींचते हुए एक काल्पनिक गठान बांधेंगे। यह प्रक्रिया पुनः दोहराएं और अब दो गठाने बांधें। तीसरी बार पुनः इस प्रक्रिया को करें और इस बार तालु भाग के ऊपर तीन गठाने बांधें। अपने हाथ नीचे ले आएं। इसे कुंडलिनी शक्ति का जागरण करना कहा जाता है। अब हम बंधन लेंगे। बंधन लेते समय अपना बायां हाथ फोटो की ओर अपनी गोद में रखें तथा दाएं हाथ को बाएं हाथ की कोहनी से उठाकर अपने तालु भाग से लेते हुए दाएं हाथ की कोहनी तक लेकर आएंगे और पुनः इसी तरह बाएं हाथ की कोहनी तक लेकर जाएंगे। यह क्रिया 7 बार दोहराएंगे। इस क्रिया को करते समय ध्यान रखें कि हथेली अंदर की ओर रहे एवं अपने हाथ को शरीर से स्पर्श न होने दें। इस क्रिया को बंधन लेना कहा जाता है। अब हम अपने दोनों हाथ गोदी में रखेंगे तथा उंगलियों को सीधा रखेंगे। आंखें बंद कर लें, जिससे कि आपके चित्त को अंदर स्थिर होने में मदद मिलेगी। अब हम बाई और दाई नाड़ी का संतुलन करेंगे। रोजमर्रा के कामों के दौरान हमारी दाई तथा बाई नाड़ी सक्रिय होती है, जिसके कारण विचार उत्पन्न होते हैं और विचारों से तनाव की स्थिति निर्माण होती है, जिससे असंतुलन पैदा हो जाता है। अब हम भूमि तत्व का उपयोग कर बाई नाड़ी को शुद्ध करेंगे। क्रिया: बायां हाथ श्री माता जी की प्रतिमा की ओर करें तथा दायां हाथ धरती मां पर रखें एवं प्रार्थना करें। श्री माता जी,
मेरी ईड़ा नाड़ी के समस्त दोषों को पृथ्वी माँ में विलीन कर दीजिए। कुछ समय इसी अवस्था में बैठें। अपने बाएं हाथ की हथेली पर हो रही अनुभूति की ओर ध्यान दें। आपको हथेली पर झुनझुनाहट, ठंडा या गर्म महसूस हो सकता है। अब हम आकाश तत्व के माध्यम से अपनी दाईं बाजू शुद्ध करेंगे। क्रिया: दायां हाथ श्री माता जी की ओर तथा बायां हाथ कोहनी से मोड़कर आकाश की ओर करें। श्री माता जी, कृपा कर आप मेरी पिंगला नाड़ी के सभी विचारों को आकाश तत्व में विलीन कर दीजिए। कुछ देर इसी अवस्था में रहें। अपनी दाईं हथेली पर हो रही अनुभूति की ओर ध्यान दें। आपको झुनझुनाहट, ठंडक या गर्माहट की अनुभूति हो सकती है। अब अपने दोनों हाथ गोदी में तथा चित्त को तालु भाग पर रखें। प्रार्थना: श्री माता जी, कृपया आप मेरी सुषुम्ना नाड़ी को शुद्ध कर मुझे मध्य मार्ग में स्थापित कर दीजिए तथा मुझे पूर्णतः संतुलन प्रदान कीजिए। कुछ देर चित्त को तालु भाग पर रखकर इसी अवस्था में बैठें तथा दोनों हाथों पर बह रहे चैतन्य की ओर अपना चित्त रखें। अब अपने दाएं हाथ को बाएं हृदय पर रखें। प्रार्थना करें: श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं एक शुद्ध एवं पवित्र आत्मा हूं। मुझे आत्मा बना दीजिए। अब अपने इसी हाथ को उठाकर अपने कपाल पर रखें। बायां हाथ श्री माता जी की ओर ही रहने दें तथा दायां हाथ मस्तक पर आड़ा रखें एवं दोनों तरफ से अपने सर को दबाएं। अपना मस्तक नम्रता पूर्वक थोड़ा नीचे झुका लें। प्रार्थना: श्री माता जी, आपकी कृपा में मैंने सभी को हृदय से क्षमा किया। शम शम शम। इसी तरह उच्चारण करें और कुछ देर इसी अवस्था में बैठें। बायां हाथ श्री माता जी की ओर ही रहने दें तथा दायां हाथ सिर के पिछले भाग पर रखें। सिर को इस प्रकार पीछे की ओर झुकाएं कि आपका मुख आकाश की ओर रहे। प्रार्थना: श्री माता जी, जाने अनजाने में यदि मुझसे कोई भी अपराध हुआ हो तो कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए। कुछ देर इसी अवस्था में बैठेंगे। अब अपने दाएं हाथ की हथेली को तान कर
इसे सिर के तालु भाग पर रखें। दाएं हाथ की हथेली से सिर की त्वचा को घड़ी की सुई की दिशा में 7 बार घुमाते हुए प्रार्थना करें, श्री माता जी कृपा करके मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए। श्री माता जी कृपा करके आप मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार प्रदान कर दीजिए, मेरा योग घटित करा दीजिए। यह प्रार्थना मन ही मन में 7 बार दोहराएंगे। अब अपना दायां हाथ तालु भाग से 3 से 4 इंच की दूरी पर रखें तथा तालु भाग से निकल रही ठंडी या गर्म लहरियों को महसूस करें। नियमित ध्यान करने पर आपके विचार शांत हो जाएंगे और आपको ठंडी लहरियों की अनुभूति होने लगेगी। अब अपने दोनों हाथों को गोदी में रखें और चित्त को तालु भाग पर तथा दोनों हाथों की हथेलियों पर रखें। कुछ देर इसी तरह ध्यान में स्थिर हो जाएं। बिना किसी प्रतिक्रिया या विचार के 5 से 10 मिनट ध्यान करें। अब अपने अंदर स्थित परमेश्वरी शक्ति को महसूस करते हुए दोनों हाथों को हृदय के स्तर पर लेकर आएं और परमेश्वरी की इस शक्ति का वंदन करेंगे। श्री माता जी से प्रार्थना करें, श्री माता जी आपने जो आज मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार प्रदान किया है उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। अंत में चित्त को तालु भाग पर स्थिर कर अपनी कुंडलिनी शक्ति का जागरण करके बंधन लेंगे। Thank you.
चैतन्य की अनुभूति करें। दाएं तथा बाएं हाथ की हथेली को बारी बारी से अपने तालु भाग के ऊपर 3 से 4 इंच की दूरी पर रखें तथा आगे पीछे घुमाकर देखिए कि तालु भाग से चैतन्य निकल रहा है या नहीं। इसी तरह से हम एक दूसरी क्रिया करेंगे। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को एक दूसरे के सामने रखें। अब अपने हाथों को एक दूसरे से थोड़ा दूर लेकर जाएं और पुनः पास लाएं। इस दौरान अपने हाथों से बह रहे चैतन्य को महसूस करें। इसे धीरे धीरे 2 या 3 बार करें और चैतन्य का अनुभव करें। जय श्री माता जी।